नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट का हिस्ट्री का मोटा बुक आप लोगों को मैं दिखाया हूं। तो देखिए दोस्तों, इसकी सीरीज चल रही है और यह छठवीं सीरीज है दोस्तों, छठवां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और यह छठवां भाग है और आज हम लोग सैंधव सभ्यता देखेंगे। सैंधव सभ्यता संबंधी जो प्रश्न है वह हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दें कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ इतिहास के हैं। तो जिनको भी यह रामबाण पीडीएफ चाहिए वह लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करने का, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त रामबाण पीडीएफ है, टीजीटी पीजीटी और नेट के लिए बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ है, तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई पेमेंट कटेगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, चाहे आप डाउनलोड करिए चाहे हमारे पास अगर असुविधा होगी तो आइएगा, तभी चार्जेबल ही है। और एक बात और बता दूं कि हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटेड नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा जबरदस्त हैंड रिटेड नोट्स आपको मिलेगा टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए। पूरा का पूरा इतिहास का मैं हैंड रिटेड नोट्स आपको दूंगा। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। आइए सीधे शुरू करते हैं, छठवां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सैंधव सभ्यता, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु थी? तो सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो वह धातु थी तांबा, जिसे सबसे पहले प्रयोग किया गया। और यह आप लोग जानते हैं कि यह यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देखिएगा, भारत में धातु के प्रयोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तदुपरांत प्राक सैंधव संस्कृतियों में तांबे व कांसे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन धातुओं विशेष रूप से तांबे और कांसे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग सबसे पहले सैंधव संस्कृति के लोगों ने किया था। अतः स्पष्ट है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु जो थी वह तांबा थी। प्रश्न दो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, मतलब अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता का जो भी है लेख अभी तक पढ़ा नहीं गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें तो उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लेख पढ़ा नहीं गया है, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसमें उपयुक्त में से 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए विकल्प डी जो है वो आपका सही है, तीनों कारण सही हैं। यह टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया था। इसका व्याख्या देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्राक्षरों वाली है, जो कि यहाँ से प्राप्त मोहरों, मृदभांडों, ताम्र पट्टिकाओं पर मिलती है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक न हो पाने के कारणों में उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध न होना है, अभिलेखों का छोटा होना है, किसी भी द्विभाषिक लेख का न मिलना शामिल है। प्रश्न तीन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में दक्षिण प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में दक्षिण प्रस्तर का उपयोग कच्ची ईंटों के रूप में किया गया है, कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तो धौलावीरा में यह कार्य हुआ है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, धौलावीरा में चिनाई के कार्य में जो दक्षिण प्रस्तर होते थे, मतलब दक्षिण का मतलब एक ऐसा पत्थर जिसको गढ़ा गया हो, डिजाइन बनाई गई हो, उसकी चिनाई की गई हो, तो ऐसे प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। वो कहाँ किया जाता था? धौलावीरा में। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है। इस स्थल की खोज 1967-68 में जगपत जोशी ने किया था। धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में दक्षिण प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा से अनेक जलाशयों के से और त्रिस्तरीय नगर योजना के प्रमाण भी मिले हैं, जलाशय के प्रमाण मिले हैं, त्रिस्तरीय नगर योजना के भी प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा का जल प्रबंधन अद्वितीय था। प्रश्न चार देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं है? ढेकली की, कुमा की, नहर की या कुएं पर पुली की? तो देखिए, ढेकली की जानकारी तो है, नहर की भी जानकारी है, नहर की थोड़ी बहुत साक्ष्य मिलते हैं और मिलते हैं अफगानिस्तान के सुरतगई से, जो एक हड़प्पाकालीन नगर था। कुआं का भी साक्ष्य मिले हैं, कुएं पर पुली का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। कुएं पर मतलब कुएं पर किसी प्रकार का पुल नहीं था, मतलब ढका नहीं गया था कुएं को, ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। या केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। इसकी उर्वरता का प्रमुख कारण सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ था। यह बाढ़ जरोढ़
मिट्टी बहाकर लाती थी जो भूमि को उर्वर बनाती थी। कृषि उपकरण प्रस्तर एवं कांसे के बने होते थे। जो भी कृषि के उपकरण होते थे वह पत्थर या कांसे के बने होते थे, जैसे हल, कुदाल आदि। मोहनजोदड़ो बनवाली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप भी मिला है, मतलब मोहनजोदड़ो से एक ऐसा खिलौना मिला है जो हल की आकृति का है और वह मिट्टी का है। सुन्य सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से नहरों से सिंचाई के प्रमाण नहीं मिले हैं, केवल अफगानिस्तान के सुरदगई से मिले हैं, ध्यान रखिएगा। कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल, कुओं का उपयोग होता था। जैसे धौलावीरा से शैलकुंड जलकुंड का मिलना एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाता है। कुएं पर पुंडी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित किन हड़प्पाई स्थलों से अग्निवेदिका का साक्ष्य मिला है? तो अग्निवेदिका मतलब अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है लोथल से और कालीबंगा से, लोथल से और कालीबंगा से। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न विवादित है, यहाँ पर लोथल और कालीबंगा है, तो यहाँ पर केवल सी रहना चाहिए, लोथल तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर इस हिसाब से सिर्फ सी होना चाहिए, तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए प्रश्न विवादित है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदिका के प्रमाण राजस्थान गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं, जबकि सिंधु बलूचिस्तान के किसी भी स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो राजस्थान के कालीबंगा से और गुजरात के लोथल से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश ब्राड प्रणाली, घोड़िया छत या वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया मेहराब। तो इसी की जानकारी नहीं थी, वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए मेहराब की जानकारी ही नहीं थी, बाकी सब सही है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, KBS PGT परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति कहते हैं। देखिए पहली नगरी क्रांति किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। दूसरी नगरी क्रांति किसे कहते हैं? महाजनपद काल को। तीसरी नगरी क्रांति जो कहते हैं वह सल्तनत काल को कहते हैं। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, हड़प्पा सभ्यता नगरी क्रांति कहते हैं, प्रथम नगरी क्रांति। इस सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ऐसे समकोण पर काटते थे, और सीधी रेखाओं की पद्धति होती थी, जाल पद्धति भी कहा जाता था। यहाँ के नगर दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला जो दुर्ग कहलाता था और पूर्वी टीला जो था आवास क्षेत्र या निचला नगर भी कहे जाते थे। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से घिरे थे, आवासीय भवन पक्की ईंटों के बने होते थे, मकान दो मंजिला भी होता था, खिड़कियाँ गलियों की ओर खुलती थी, खिड़कियाँ जो होती थी मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, गलियों की ओर खुलती थी, ध्यान रखिएगा। दीवारें इंग्लिश ब्राड प्रणाली से बनाई जाती थी, छतों का स्वरूप घुड़िया प्रकार का होता था, जबकि मेहराब का साक्ष्य नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल कहां से मिला है ये बताना है, बलूचिस्तान से मिला है। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र मिला है, और क्या बोलते हैं, निम्न हिमालयी क्षेत्र से भी मिला है, लेकिन उत्तरी महाराष्ट्र से सिंधु सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, KBS PGT परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त हुए हैं। देखिए महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त हुआ सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल, उत्तरी महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पर उत्तरी महाराष्ट्र दिया तो उत्तरी महाराष्ट्र ही होना चाहिए यहाँ पर, वैसे तो महाराष्ट्र से दायमाबाद से जरूर प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल उत्तरी महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र का दायमाबाद उत्तरी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब में सिंधु पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। यहीं भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तरी प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में भी इस सभ्यता के दो पुरास्थल सोतगई और मुंडी गाक भी हैं, जहाँ से सोतगई से आपके नहर के साक्ष्य मिले हैं, आपको पता है यह दो स्थल जो हैं यह अफगानिस्तान में पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं। मोहनजोदड़ो में जो सड़कें होती थीं वह आपकी 6 मीटर की होती थी और 10 मीटर की होती थी। किले की जो सड़क होती थी, किले के अंदर की जो सड़क होती थी वह 6 मीटर की होती थी, जबकि शहर जब किले के बाहर की जो सड़कें होती थी वह 10 मीटर की होती थी। तो 6 व 10 होती थी, ध्यान रखिएगा। चौड़ाई KBS PGT परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई जो होती थी 13.5 फीट से 33 फीट तक थी। मोहनजोदड़ो के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें कम से 6 व 10 मीटर होती थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? कुल मिलाकर मेसोपोटामिया में पहले सुमेरियन भाषा थी, लेकिन सुमेरियन भाषा के बाद कौन सी भाषा आई प्रतिस्थापित की? तो वो है अकाडियन भाषा। KBS PGT परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
देखिए, दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित एवं खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। 2000 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज स्थापित कर लिया, तब इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। इस प्रदेश का प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकडी भाषी लोग यहाँ आ गए, तो अकडी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया और अकडी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत हुआ है? तो मेसोपोटामिया की साहित्य में मेलुहा शब्द कहा गया है, और यह जो शब्द कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कहा गया है। एनवीएस पीजीटी परीक्षा यह प्रश्न पूछा गया है। मेलुहा का मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता को, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच। यह इलाका जो है दजला और फरात, दजला मतलब होता है टिग्रिस और फरात मतलब होता है यूफ्रेटिस नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सैंधो प्रदेश से किया गया है। प्रश्न 11 देखिएगा, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? तो मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? तो उरुक काल को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है। मतलब मेसोपोटामिया का जो इतिहास है उसमें उरुक काल जो है, मतलब उरुक एक ऐसा समय है उरुक काल, उस युग के दौरान प्राथमिक राज्य का गठन हुआ था मेसोपोटामिया में। विकल्प डी जो है सही है, उरुक काल। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, मेसोपोटामिया के इतिहास में उरुक काल को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है। इस काल में चित्रमय स्क्रिप्ट के साथ लेखन और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रलेखित रिकॉर्ड का वर्णन किया गया है। प्रश्न 12 देखिएगा, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है हड़प्पा लिपि के बारे में, यह कह रहा है? तो देखिए, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, कुछ ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो हड़प्पा की जो लिपि थी वह बाईं से दाईं और दाईं से बाईं दोनों ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि शब्दाक्षरित थी, अर्थात प्रत्येक प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता था। यह भी सही है। यह सामान्य रूप से दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए, हड़प्पा की जो लिपि थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन कुछ एकाध जगह ऐसा भी मिला है कि बाईं से दाईं ओर भी लिखी जाती थी। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 तीनों सही है। लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेतक हैं, यही आपका सही नहीं है। विकल्प डी, यह एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा लिपि के ज़्यादातर साक्ष्य चित्रात्मक लिपि के हैं, कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक लिपि के भी हैं। प्रसिद्ध विद्वान एसआर राव ने अक्षर चिन्हों की संख्या 22 मानी है। इसके अनुसार हड़प्पा लिपि में मूल रूप से 52 चिन्ह थे। ज़्यादातर लिपि बाएं से दाएं लिखे गए हैं, हालांकि कुछ साक्ष्य दाएं से बाएं भी लिखे गए हैं। लिपि का प्रचलित रूप चिन्ह अंग्रेजी के यू आकार का, मतलब हड़प्पा काल में जितने भी चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चित्राक्षर हैं वह यू आकार के हैं, और सबसे ज़्यादा जो चिन्ह मिले हैं किस जानवर के, वह है मछली के। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो हरियाणा में कौन सा स्थित नहीं है? रोपण स्थित है, बनवाली भी स्थित है, राखीगढ़ी भी है। देखिए, नहीं, बनवाली है हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित है, मीताथल भी हरियाणा में स्थित है, लेकिन रोपड़ जो है ये आपका पंजाब में है, तो रोपड़ स्थित नहीं है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही होगा। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए, राखीगढ़ी बनावली मीताथल और रिसवल आदि हरियाणा में स्थित प्रमुख हड़प्पन स्थल हैं, जबकि रोपड़ संघोल पंजाब में स्थित हड़प्पन स्थल हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देख लीजिए, तो पूर्वी सीरिया का भाग, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज पूर्वी सीरिया दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच बचा प्राचीन शहर है जो सिंधु सभ्यता के समकालीन है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। विकल्प बी जो है वो आपका सही है,
सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्रकृति की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता से हुआ है। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी ने हड़प्पन की खुदाई करवाई थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगरों में से एक थे जो अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और 5500 वर्ड लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जिनको भी चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया डाउनलोड करने का। अगर आपको सुविधा होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात और बता दूँ, हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटन नोट तैयार है, पूरा का पूरा जबरदस्त हैंड रिटन नोट। कुल मिलाकर 7 हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा जो जबरदस्त होगा। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाइएगा, सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। बहुत ही मोटी बुक है घटना चक्र टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की। जो भी सन 2000 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट में जितने भी प्रश्न हैं सबका सारगर्भित व्याख्या के साथ उत्तर दिया गया है। मोटी बुक है लेकिन मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।